भारत अपनी फॉरवर्ड पोस्ट के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी ने इसका जायजा लिया। फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों के अंदर इस समय सबसे महत्वपूर्ण है वॉर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, टनल और उससे भी महत्वपूर्ण है इस तरीके के ALGs। ये ALGs फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे इसलिए बनाए गए हैं कि ना सिर्फ हमारे लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन या दूसरी चीज़ें आगे पहुंचाई जा सके, बल्कि अटैक यानी अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर दूसरे बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी लैंड कराया जा सके। इस एरिया की सबसे बड़ी रिलेवेंस या फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि अरुणाचल प्रदेश का ये वो इलाका है जहाँ पर 1962 में भारत और चीन के बीच में जंग हुई थी, लेकिन तब से लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर छुआ नहीं गया। लेकिन पिछले कई सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जंग भारत ने बहुत तेजी से काबू की है या चीन के मुकाबले पैरेलली खड़ी भी कर दी है। इस समय मैं जिस इलाके में हूँ ये वो फॉरवर्ड मोस्ट इलाका है जहाँ पर इन ALGs को डेवलप करना और इनको मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अभी जब भारत और चीन का जो स्टैंड ऑफ है ईस्टर्न लद्दाख में चल रहा है, तब ईस्ट के इन इलाकों में यानी अरुणाचल प्रदेश और दूसरे इलाकों में भी मुस्तैदी बहुत ज़्यादा है। और फॉरवर्ड पोस्ट पर भारत ने सेना को इंटीग्रेट किया है और सर्विलांस को बहुत मजबूत किया है। कर्नल नवनीत चहल ने त्वांग में चल रही तैयारी की जानकारी। मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए जो था, जिसको ओवरकम किया गया, वो सबसे पहला था कि आपके लिए इंटीग्रेशन करना फोर्सेस को, और दूसरा था सर्विलेंस जरूर से ज़्यादा पुख्ता करना। और हमारे से बातचीत करने के लिए कर्नल नवनीत चहल सर हैं। क्या कुछ खासियत है इसकी? इसके अंदर ऐसे ब्रिगेड के अंदर सारे एसेट्स डाल दिए हैं कि ताकि सिनर्जी जो इंटीग्रेशन और सिनर्जी जो आजकल आर्म फोर्सेस सोच रही है उसके हम कर पाए। एक साथ एक कमांडर के अंदर डालने से जो सिनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। सिस्टर फॉर्मेशन एयरफोर्स, उससे तालमेल करने में बहुत आसानी होती है। ये हम अपने पूरे जो एसेट्स को मॉनिटर करने के लिए बनाया हुआ है। ये एक GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग हमेशा अपने पूरे इसमें वैली में जो फ्लाइंग होती है उसको ट्राई करते हैं। ये क्या है? ये रेड लाइन LAC को रिपीट कर रहा है और इसके अंदर हमेशा हम लोग जो जितने भी फाइटर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर फ्लाइंग होती रही है वो हम रडार से ट्राई कर रहे हैं। ये जो है जो ये दूसरी साइड का एयरक्राफ्ट है जो इस तरफ, हाँ, इसका डिस्टेंस काफी दूर है हमारे LAC से, क्लोज नहीं, बहुत दूर है, पर हम मॉनिटर कर रहे हैं उसको। जब भी वो फ्लाई करेगा हम लोग उसको ट्रैक करेंगे, अगर वो जल्द LAC के पास आता है तो हम उसको अपने चीजों को एक्टिवेट करेंगे। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।